चलो, झूठ और सच को समझिए। झूठे मसीहाओं में सच्चे मसीहा यानी यीशु का दामन कभी न छोड़िए। जब से यीशु ने मसीहा होने का दावा किया, तब से दुनिया ने उन पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी और ये सिलसिला आज तक नहीं थमा। फिर बहुत से मसीहा दुनिया में निकल खड़े हुए क्योंकि लोग उस सच्चे मसीहा का यकीन और ईमान तोड़ना चाहते थे। इसलिए झूठे मसीहा दुनिया में वारिद होते रहे और यही कहते रहे कि वही सच्चे मसीहा हैं। लेकिन वक्त ने खुद ही साबित कर दिया कि झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं और जिसको ये लोग झूठा करने के दरपे थे वो कब्र से निकलकर मुर्दों में से जिंदा होकर अब तक जिंदा हैं। हालेलुया, यीशु हमशाह की तारीफ हो। अजीजो, आज मत्ती रसूल की तहरीर का 24वां बाब हमारी नजर से गुजर रहा है जिसमें यीशु यरूशलेम की बर्बादी की खबर देते हैं। फिर तीसरी से 14वीं आयत तक दुनिया में मुसीबतों और एजाओं और तकालीफ के बारे में आगाही देते हैं। इसके बाद 15वीं आयत से 28वीं आयत तक उजाड़ने वाली मकरूह चीज का और बे इंतहा मुसीबत की खबर और झूठे मसीहाओं से खबरदारी मिलती है। साथ ही सच्चे मसीहा का कैसे आना होगा उसका बयान मिलता है। फिर यीशु अपनी आमद की मंजर कशी करते हैं जिसका जिक्र हम 29वीं आयत से 31वीं आयत में पाते हैं। फिर 32वीं आयत से 35वीं आयत में यीशु ये बताते हैं कि ये सब जब होने लगे तो समझ जाना मेरा आना नज़दीक है। 36वीं आयत से 44वीं आयत में यीशु यही बताते हैं कि उस वक़्त के होने का इल्म सिर्फ खुदा को है और किसी को नहीं। 45वीं आयत से बाब के आखिर तक यानी 51वीं आयत तक दयानतदार नौकर की मिसाल से हमें हमेशा तैयार रहने की नसीहत की गई है। अब आइए इस बाब में से अपने लिए तहरीक पाते हैं। वेलकम फ्रेंड्स टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू। आज हम यीशु के बारे में जितना भी आमतौर पर इल्म रखते हैं वो सब बाइबल के तवस्सुल से ही है। हमने यीशु को अपनी आंखों से नहीं देखा लेकिन हम उसकी कुदरत, उसकी बेमिसाल शिफा, मोहब्बत को अपनी जिंदगियों में रोज बरोज तजर्बा करते रहते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने उसको देखा है या उसकी जात का तजर्बा रखते हैं तो ये झूठ के सिवा कुछ ना होगा। अजीजो, जिन लोगों ने उसे देखा और उसकी शख्सियत का तजुर्बा भी किया उन्हीं लोगों ने कलम का इस्तेमाल करके हम तक उसका इल्म पहुंचाया ताकि हम आज उस पर ईमान लाएं, और ये ईमान अनदेखा कहलाता है। इसलिए आज शैतान को हमें वरगलाने में ज़्यादा देर नहीं लग सकती क्योंकि हम लोग बिन देखे उसको मानते हैं। लेकिन अजीजो, याद रखिए यीशु के बहुत प्यारे शागिर्द यूहन्ना ने अपनी तहरीर के 20वें बाब की 29वीं आयत के जरिए से यीशु की वो बात हम तक पहुंचाई जिसमें हमारी तकवीयत पोशीदा है। यीशु ने कहा, मुबारक होंगे वो लोग जो बिन देखे मुझ पर ईमान रखेंगे। अजीजो, आज आपका ईमान शागिर्दों के ईमान से बढ़कर है। फक्त हमें इसमें कायम रहना है क्योंकि अगर हम बाइबल को सच और यीशु को सच्चा मसीहा जानते और समझते हैं और उसकी कुदरत एक आमला का तजुर्बा करते रहते हैं तो हो नहीं सकता कि शैतान हमें धोखा दे जाए। आज हर तरफ मसीहों के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हर तरफ अजियतों का सामान तैयार है। लेकिन याद रखें मत्ती के 24वें बाब में यीशु ने कहा कि हमें हर वक्त तैयार रहना है क्योंकि सच्चा मसीहा किसी वक्त भी आ सकता है, लेकिन जब वो आएगा तो हर आंख उसे देख पाएगी। यही सबसे बड़ी सच्चाई की निशानी है। आज हमें अपने खुदावंद के साथ रोज़ाना रबते में रहना है। ये रबता यकीनन हमारी उसके साथ मुलाकातें हैं जो हम दुआओं या रियाजतों में करते हैं। यहीं से हमें उसकी ज़ात का तजर्बा होता है और हम झूठ से लड़ने के काबिल हो जाते हैं। यहीं से हम अजियतें सहने के काबिल हो जाते हैं। यहीं से हम बरकतें लेने के काबिल हो जाते हैं। जिस तरह शागिर्द जाना चाहते थे उनका रबी, उनका उस्ताद और उनका खुदावंद कब वापस आएगा, उसी तरह हम भी जानना चाहते हैं कि हमारा सच्चा खुदावंद कब वापस आ रहा है। यीशु मत्ती 24वें बाब में हमें बताते हैं कि उसकी वापसी से पहले क्या निशानियां होंगी। जैसे ही ये निशानियां जाहिर होने लगें तो हमें समझ लेना चाहिए कि यीशु की वापसी का वक्त करीब है।
इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि सब कुछ मामूल के मुताबिक ही चल रहा होगा कि हमारा खुदावंद आ जाएगा। फक्त हमें हर दिन आखिरी दिन समझ कर तैयार रहना है और हमें उसके साथ जोश और जज्बे के साथ अपनी रिफाकत में कायम रहना है, क्योंकि झूठ और झूठे दुनिया में बहुत हैं। हमें सच्चे मसीहा को मानने में किसी तरह भी पीछे नहीं होना, ताकि जब और जैसे ही यीशु हमें लेने आए तो हमें दयानतदार नौकर की तरह तैयार ही पाए। लिहाजा आज इस कलाम को मद्देनजर रखते हुए ज़रा सोचिए कि क्या आप उसकी आमद के लिए तैयार हैं? क्या आप किसी झूठ या झूठे मसीहा की पैरवी तो नहीं कर रहे? इन बातों पर ध्यान और ज्ञान कीजिए और खुदावंद आपका आज का दिन मुबारक और बाबरकत बनाए। आमीन। सलामत।